मध्य प्रदेश नई चिकित्सा क्रांति लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। एमबीबीएस के हिंदी कोर्स लॉन्च होने से पहले प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और डॉक्टरों से मरीजों की पर्ची में दवाइयों का नाम हिंदी में लिखने की अपील की। साथ ही पर्ची पर आरएक्स की जगह श्रीहरि लिखने को भी उन्होंने कहा। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर, एकदम ये बात आपके दिमाग में कैसे आई कि हिंदी में एमबीबीएस? लोग तो पहले सुन के चौंके और 10 तरह के उसमें नुस्खे भी निकाले। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत हैं। उन्होंने देश का मानस बदलने का काम किया। उनने भी ये संकल्प लिया कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मातृभाषा में होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में भी ये कहा। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हमने सिद्धि में बदलने का प्रण किया। ये क्या सर, ये श्रीहरि आरएक्स मतलब? नहीं, मैं तो ये बता रहा था कि आज भी अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाओ तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो आज भी 95% लोग हिंदी ही समझते, अंग्रेजी जानते नहीं। अब वो क्या लिख रहा है ये पता ही नहीं था, आरएक्स, और तो ये हिंदी में लिखा जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि स्वाभाविक रूप से श्रीहरि लिखिए और नीचे देवनागरी में आप दवाई का नाम लिख दीजिए। आप क्रोसिन लिख दो, आप कामी फ्लेम लिख दो, हिंदी में लिखा जा सकता है देवनागरी में। और ये आसानी से जिसके लिए लिख रहा है वो भी समझेगा कि कौन सी दवाई लिखी। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर और हिंदी के जानकारों ने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की किताबों का अनुवाद किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को मंदार नाम दिया गया है। आपको बता दें कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की किताबों का अनुवाद कर दिया गया है। बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की किताबें तैयार की गई हैं। देवनागरी लिपि में किताबों का अनुवाद किया गया है जिनके शब्द देवनागरी में ही लिखे गए हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करवाने की तैयारी की जा रही है। इस बात की जानकारी खुद सीएम योगी ने ट्वीट करके दी है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ किताबों का हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है और अगले साल से यूनिवर्सिटीज में इन विषयों के पाठ्यक्रम हिंदी में पढ़ाए जाएंगे। इसी के साथ एमपी के बाद यूपी दूसरा राज्य होगा जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। तो पहले शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है, लेकिन आगे उत्तर प्रदेश में भी इसकी तैयारी कर ली गई है। आपको बताते हैं कि देश में पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करने के लिए मध्य प्रदेश में क्या क्या तैयारियां की गई है। आपको बता दें कि हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। 97 डॉक्टरों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर की एक टीम बनाई गई। मेडिकल छात्रों और अनुभवी डॉक्टरों के सुझाव लिए गए। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर से इसका अनुवाद कराया गया। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की 5 किताबों का अनुवाद किया गया। इधर